इलेक्शन कमीशन ने 4 जून के बजाय 2 जून को ही नतीजे जारी कर दिए हैं। देखिए, ईसी ने जारी किया इलेक्शन रिजल्ट यानी चुनाव के नतीजे। अब आपको ये देखना है कि कहां पर बीजेपी जीरो हुई है और कहां पर बन गई है हीरो, और ये बीजेपी को हराने वाले नेता अचानक क्यों छा गए हैं, क्यों उनकी इतनी बातें हो रही हैं। ये भी देखना है कि विपक्ष यानी कांग्रेस यहाँ पर कहाँ है। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, इन नतीजों में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई है यानी 0 सीटें आई हैं। दूसरा, बीजेपी को हराने वाले ये नायक कौन है, ये देखिए बीच में ने उनकी फोटो लगा रखी, आप देख सकते हैं, मैं आपको आगे की राजनीति बताऊंगी। तीसरा, इस राज्य में बीजेपी को भारी बहुमत, कौन से राज्य में बीजेपी को भारी बहुमत मिला है। चौथा, कांग्रेस का इन दो नतीजों में क्या हाल रहा है, वो भी आपको जानना है। और पांचवा, आखिर 2 दिन पहले ही क्यों आ गए हैं नतीजे, ये भी आपको जानना है। तो नमस्ते, मैं हूँ रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। शो शुरू करूँ उससे पहले आप भारत का नक्शा देखिए। यहाँ पर अगर आप ईस्ट में आते हैं तो देखिए सिक्किम पड़ता है नेपाल और भूटान के बीच में, और यहाँ पर आएंगे अरुणाचल प्रदेश पड़ता है जो चाइना के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो देखिए भारत का नक्शा है, और आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा के नतीजे आ चुके हैं 2 जून को ही। और देखिए सामने मेरे टैली है, अगर पहले मैं सिक्किम की बात करती हूँ, इधर 32 सीटें हैं, 32 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से SKM को 31 मिल गई है और SDF को 1 मिली है। और देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही यहां पर 0 है। लेकिन जब मैं आपको इसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि कैसे बीजेपी और कांग्रेस की वहां पर सीटें बदलती रही। तो देखिए SKM यानी जो उधर सत्ता में ऑलरेडी थी वो 31 सीटें और SDF के पास 1। और यहीं अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करती हूँ जहां पर 60 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर देखेंगे तो बीजेपी को भारी बहुमत मिला है 46 सीट्स के साथ। NPEP देखिए 5 पे, इंडिपेंडेंट 3, NCP 3 और PPA को 2 सीटें मिली हैं। अब अगर मैं जाती हूँ, देखिए यहाँ पर हमने सिक्किम के अंदर हम जाते हैं, थोड़ी डिटेल्स देखते हैं। तो SKM का मतलब क्या होता है, SKM का मतलब होता है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जिसको 31 सीटें मिल चुकी हैं, और दूसरा है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसको 1 सीट मिली है। और अगर आप यहाँ पर देख लेते हैं, पूरे सिक्किम में देखेंगे यहाँ पर SKM की सरकार बन गई है, और एक ही छोटा सा जो आपको दिख रहा है नीचे ग्रीन कलर में, इधर ही सिर्फ 1 सीट है जो कि SDF को मिली है। अब अगर मैं आपको पार्टी वाइज वोट शेयर बताती हूँ तो देखिए बीजेपी का वोट शेयर, बीजेपी और कांग्रेस को 0-0 सीटें मिली हैं, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर है 5.18%, ये देखिए यहाँ पर, और कांग्रेस का है 0.32%, और बाकी की पार्टीज का भी मैंने लिख रखा है। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिए कि बीजेपी को 46, NPEP को 5, NCP को 3, PPA को 2 और कांग्रेस को 1, IND को 3। और अगर मैं आपको इन सब की फुल फॉर्म बताती हूँ, इलेक्शन कमीशन का स्क्रीनशॉट है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी 46, इधर नेशनल पीपल्स पार्टी NPEP को 5 सीटें, और मैं बता दूं कि ये दोनों अलायंस में है, यानी बीजेपी और NPEP दोनों अलायंस में है। फिर देख लीजिए NCP को 3, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी PPA को यहां पर 2 सीटें मिलती हुई, और अगर आप देखेंगे कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट आई है और इंडिपेंडेंट के खाते में 3 चली गई है। और अगर आप पार्टी का वोट शेयर देखते हैं तो देखिए बीजेपी 54% और दूसरे नंबर पे 5.51% इधर कांग्रेस को मिला है। तो ये पूरा मामला है। अब पहला पॉइंट चालू कर लेते हैं, इन नतीजों में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई है। पहले हम बात करेंगे सिक्किम की। तो देखिए 2019 के बाद अगर मैं आपको बताती हूं, SKM जिसको अभी भारी बहुमत मिला है, तो 2019 में इन दोनों का गठबंधन था, लेकिन 2024 में जो ये चुनाव हुए, जो 19 अप्रैल को हुए थे, तो उसमें इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम अलग अलग लड़ेंगे, यानी SKM अलग हो गई और बीजेपी अलग हो गई। तो देखिए 2024 से पहले अलग हुई दोनों पार्टियां, NDA के साथी ने बीजेपी को तगड़ा हराया, यानी आप देख लीजिए कि जो जिस नेता की बात मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ कि जिनकी चर्चा हो रही है, उन्होंने भारी बहुमत हासिल किया है, सिर्फ 1 सीट वो उनको नुकसान हुआ है, सिर्फ 1 सीट का, बाकी SKM ने पूरी जीत ली है। और क्योंकि SKM पहले NDA का ही साथी थी, यानी NDA गठबंधन में ही थी, तो देखिए NDA के साथी ने ही बीजेपी को तगड़ा हरा दिया है 2019 में। अगर मैं आपको 2019 के नतीजे बताती हूँ तो 2019 में SKM को मिले थे 17, इस बार देखिए 31 मिले हैं, SDF को मिले थे 15, यानी यहां पर 1-2 सीटों का मामला था, लेकिन इस बार तो SDF सिर्फ 1 ला पाई है, बीजेपी कांग्रेस 0। अब देखिए SKM के जो लीडर हैं, जो अभी जिस लीडर की मैं बात कर रही थी, उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग, और इन्हीं के बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि ये क्यों छाए हुए हैं। और SDF के नेता है पवन कुमार चामलिंग। 2014 के नतीजे देखते हैं सिक्किम के, तो SKM को मिली थी 10 सीटें, SDF को 22 और कांग्रेस को और बीजेपी को मिली थी 0। तो आप ये देखिए 2014 से
2019 के आंकड़े कितने बदल गए कि पहले एसडीएफ जो थी वो बहुमत में थी, लेकिन अचानक आप देखते हैं कि जो अभी एसकेएम पार्टी है जिसने भारी बहुमत लाया है उसने 2014 में 10 जीती थी, लेकिन अचानक 2019 में 17 जीती, सरकार बना ली और फिर 2024 में देखिए 31 जीत जाती है। तो ये जो मैंने आपके लिए आंकड़े लिखे हैं ये मैं आपको टाइमलाइन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए 2009 की बात करते हैं तो एसडीएफ 32 जीती थी, पूरी की पूरी जीती थी और कांग्रेस यहां पर दूसरे नंबर की पार्टी थी। तो देखिए कैसे एसडीएफ जो यहां पर 2009 में राज कर रही थी और अब उसको 2024 में सिर्फ एक सीट मिली है। 2004 की भी नतीजे देख लेते हैं, एसडीएफ 31, कांग्रेस 1, एसकेएम मैं आपको बता दूं जो ये एसकेएम जिसने अभी भारी बहुमत पाया है वो 2013 में ही बनी है पार्टी, 2013 से पहले तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब देखिए दूसरा ये है बीजेपी को हराने वाले ये नायक कौन है, तो जिनकी मैं बात कर रही हूं जो कि एसकेएम के लीडर हैं वो पहले टीचर थे, फिर उन्होंने सरकारी नौकरी की, फिर जो ये सीएम है प्रेम सिंह तमांग जो इस वक्त भी सीएम है वहाँ के सिक्किम के, उनका अगर मैं शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ तो पीएस गोले है। तो देखिए पहले वो टीचर रहे, उन्होंने सरकारी नौकरी की, उसके बाद वो एसडीएफ के संस्थापक सदस्य रहे, यानी जिस पार्टी को उन्होंने अभी हराया है उसके वो पहले संस्थापक सदस्य रह चुके हैं। 1994 की मैं बात करती हूँ तो प्रेम तमांग पहली बार चुने गए थे विधायक, 2009 में उनका 2009 में हुआ सिक्किम पूर्व सीएम से मनमुटाव, यानी क्योंकि ये जो प्रेम सिंह तमांग है जिसकी अभी पार्टी है एसकेएम वो पहले एसडीएफ के साथ थे और जो एसडीएफ के उस वक्त के मुख्यमंत्री थे उससे उनका मनमुटाव हो गया। और देखिए पवन कुमार चामलिंग जो कि एसडीएफ के नेता थे उन पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, और ये भी जान लीजिए जिस नेता की मैं बात कर रही हूँ यानी एसकेएम लीडर, वो 2016 से 2018 तक जेल में रहे हैं तमांग और उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी, सरकारी पैसों की हेराफेरी में वो दोषी पाए गए थे और जेल से बाहर आते ही वो मुख्यमंत्री चुन लिए गए। ऐसी लहर आई, ऐसे सपोर्टर्स का प्रेम आया कि उनको मुख्यमंत्री चुन लिया गया। उनकी पत्नी भी कृष्णा कुमारी राय भी राजनीति में है। अब देखिए ये जो मैंने पॉइंट लगाया इससे ये ना मान लीजिएगा जो भी आम आदमी पार्टी के समर्थक होंगे वो बोलेंगे कि जो भी जेल से बाहर आता है वो सत्ता में आ जाता है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, जेल से बाहर निकलते ही वो मुख्यमंत्री बन गए थे। अब अगर मैं तीसरे की बात करती हूँ इस राज्य में बीजेपी को भारी बहुमत, तो आई एम श्योर आपको देखिए सिक्किम का पूरा मामला समझ में आ गया होगा कि कैसे 2013 में पार्टी बनाते हैं नायक, ये देखिए प्रेम सिंह तमांग, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ते 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 आज उनके पास 31 सीटें हैं और बीजेपी कांग्रेस वहाँ पर जीरो है। अब मैं अरुणाचल की बात करती हूँ, अरुणाचल में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बन गई है, 10 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीती है। बीजेपी और NPEP का गठबंधन है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये इधर मिस्टेक से लिखा हुआ है NPP। देखिए मौजूदा CM जो उस वक्त अभी हैं वो है पेमा खांडू और ये पूर्व CM के बेटे हैं, पहले वो कांग्रेस में थे, और मैं आपको बता दूं 36 साल के पहले ऐसे CM हैं। देखिए कितने यंग एज में 36 साल में ही जो पेमा खांडू है वो CM बन जाते हैं। तो इसकी एक पीछे की कहानी यह है कि पहले वो कांग्रेस में थे, फिर वो PPA में शामिल हुए और फिर 2016 में वो BJP को हो गए। अब देखिए 2019 में 41 सीटें जीतकर वो फिर से CM बने थे जब उन्होंने BJP ज्वाइन कर ली थी और 2019 में उन्होंने BJP को जीत दिलाई थी। 2019 के आंकड़ों की मैं बात करती हूँ, देखिए JDU 7, NPP 5, कांग्रेस 4 और अन्य के खाते में आई 3। 2014 देख लीजिए कांग्रेस 42, देखिए 2014 में कांग्रेस के पास कितना ज़्यादा बहुमत था, BJP 11, PPA 5, अन्य के खाते में 2। 2009 में भी देख लीजिए कांग्रेस 42, NCP 5, TMC 5, BJP 3 और 2004 की अगर मैं बात करती हूँ तो कांग्रेस 34, BJP 9, NCP 2 और अन्य के खाते में 15। तो आप ये ग्राफ देख लीजिए कि कैसे कांग्रेस बहुमत से छोटी होती गई और आज देख लीजिए जीरो सीटें हैं, खाता भी नहीं खुला है। और अगर आप बीजेपी की ट्रेजेक्टरी देखेंगे कि कैसे 3 हुई, 11 हुई, फिर उसके बाद 2019 में 41 हुई और अभी 46 हो गई है, यानी भारी बहुमत। तो अरुणाचल प्रदेश में ये बीजेपी का ग्राफ रहा है और कांग्रेस का ग्राफ एकदम डाउनवर्ड रहा है, लेकिन इसके पीछे भी कहानी है। कांग्रेस का दो नतीजों में क्या हाल रहा, तो देखिए इस बार खाता तो नहीं खुला है लेकिन आपको एक किस्सा बताती हूँ मैं कि 2014 के बाद यहाँ पर अरुणाचल में एक सियासी संकट आया था। एक साल के भीतर 4 बार मुख्यमंत्री जो हैं वो बदले गए थे, और शायद आपको ये किस्सा ना पता हो क्योंकि देखिए अक्सर जो ये नॉर्थ ईस्टर्न राज्य होते हैं उसकी राजनीति
मेन मीडिया तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन क्योंकि आज हम इसका जिक्र कर रहे हैं तो मैं आपको बताती हूं 2014 के बाद यहां पर क्या हुआ। 2014 के बाद देखिए कांग्रेस 42, बीजेपी 11, पीपीए 5 और अन्य के खाते में 2। तो आप ये देख रहे हैं कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था, लेकिन 2015 में क्या होता है, कांग्रेस के 42 में से 21 एमएलए बगावत कर देते हैं। किसके खिलाफ बगावत कर देते हैं, यहां पर सीएम थे उस वक्त नबाम तुकी। अब जैसे ये बगावत होती है तो उनकी सरकार डिसमिस हो जाती है। राज्यपाल ने किया सीएम नबाम तुकी को बर्खास्त, यानी उनकी सरकार उस वक्त डिसमिस हो गई। 2016 की बात करते हैं, 2016 के दौरान राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया था, ये 2016 की बात है। फिर एक महीने बाद जब ये प्रेसिडेंट रूल लग जाता है 2016 में, एक महीने बाद बीजेपी ने पीपीए को समर्थन दे दिया, यानी जो वहाँ की पार्टी थी वहाँ को समर्थन दे दिया और कालिखो पुल को सीएम बना दिया। फिर इसके बाद ये पूरा मामला पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि देखिए आपको देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन के बाद बीजेपी इधर जो भी मौका है वो हड़प लेती है और पीपीए को समर्थन देके सरकार बना देती है, लेकिन ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाता है और इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की जीत हो जाती है, सरकार को बहाल कर दिया जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, 3 दिन बाद ये जितने भी एमएलएज होते हैं, विधायक होते हैं, तो जो तुकी साहब थे उनको तो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और नेता चुन लिया खांडू को, पेमा खांडू को। फिर देखिए इसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस के सीएम बन जाते हैं महज 36 साल में पेमा खांडू। फिर उसके बाद 2016 में वो अपने एमएलए लेकर, या जितने भी उनके पास एमएलए थे, चाहे थोड़े कांग्रेस से थोड़े इधर से, वो लेकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो देखिए ऐसा पूरा ट्रेजिक्ट्री रहा है। अब पीपीए अध्यक्ष ने खांडू समेत 7 एमएलए को निलंबित कर दिया और 33 एमएलए के साथ खांडू आ गए बीजेपी में। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मैं एक करेक्शन करना चाहूँगी, 2016 में पहले वो एमएलए लेकर पीपीए में शामिल होते हैं, पीपीए में शामिल होने के बाद जब पीपीए अध्यक्ष खांडू समेत 7 एमएलए को निलंबित कर देते हैं, उसके बाद वापस से पेमा खांडू अपने विधायक लेते हैं जो कांग्रेस से आए थे, जो थोड़े पीपीए के थे, सबको मिलाकर 33 एमएलए के साथ चले जाते हैं बीजेपी में। तो मैंने आपको बताया था पहले कांग्रेस में, फिर उसके बाद पीपीए में जाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं बीजेपी में। तो फिर क्या होता है, बीजेपी के पास 11 तो विधायक थे ही, उसके बाद 2 इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय को भी वो ले लेती है, तो 46 के साथ बन गई थी सरकार। ये मैं 2019 की बात कर रही हूँ। और देखिए एक और वक्त था 2003 में, जब महज 44 दिनों के लिए बनी थी बीजेपी की सरकार। तो ये थोड़ा सा किस्सा था, इसके पीछे की राजनीति थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। और देखिए पांचवा पॉइंट जो मैंने आपके लिए जिक्र किया था वो ये था कि आखिरकार 4 जून को जो नतीजे आने वाले थे वो 2 जून को क्यों आ गए। तो ये दोनों जो विधानसभा नतीजे थे, क्योंकि 2 जून को कार्यकाल खत्म हो रहा था तो इसलिए 2 जून को नतीजे आ गए हैं इन दोनों के। और 4 जून को मैं आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश के तो आज आ गए हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो विधानसभा नतीजे हैं वो भी 4 जून को आएंगे, और 4 जून को ही लोकसभा इलेक्शन 2024 के नतीजे भी आएंगे। और आई एम श्योर अब तक आपने सारे एग्जिट पोल देख लिए होंगे और आपने ये भी देख लिया होगा कि कैसे विपक्षी इस एग्जिट पोल को एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं। एक वीडियो दिखा देती हूँ राहुल गांधी की, जाते जाते उन्होंने ये कहा है कि सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है 295, इतनी सीटें आ रही है कांग्रेस को, लेकिन कोई ऐसा एग्जिट पोल नहीं है जिसमें इतनी सीटें आ रही हो। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने 295? खैर अब एग्जिट पोल्स ने अपना पूरा आकलन दे दिया है। अब 4 जून को क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। सुबह 6 बजे से लगातार आपको न्यूज 24 देखते रहना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या नतीजे रहे, उसके लिए आपको रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखना है। न्यूज 24 देखते रहिए, मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।